Hey, what is up guys? Welcome back to another video. Guys, आज का इस वीडियो में हम देखेंगे आपका स्मार्ट टीवी पर YouTube साइन इन कैसे करना है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे YouTube पर साइन इन करना है। ये है मेरा टीवी का रिमोट। यहाँ पर रिमोट में ही YouTube का ऑप्शन है, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी YouTube ओपन कर सकता हूँ और नहीं तो यहाँ पर YouTube का ऑप्शन है, यहाँ से ओके करके भी YouTube ओपन कर सकता हो। YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पर एकदम ऊपर के साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट साइड पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ले आना है, लेफ्ट साइड का बटन पर क्लिक करके उसके बाद एकदम ऊपर के साइड जो बटन है इसको क्लिक करके ऊपर ले आना है साइन इन पर। साइन इन पर ले आने के बाद इसको ओके करना है। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद भी ये साइन इन नहीं होता। मेरे स्मार्ट टीवी पर भी ये साइन इन नहीं हो रहा है, तो इसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होम वाला बटन है रिमोट पर, ये जो होम वाला बटन है, होम वाला बटन पर क्लिक करके इसको होम कर लेना है। उसके बाद एकदम ऊपर के साइड जो बटन है रिमोट पर, ये जो ऊपर के साइड बटन है यहाँ पर क्लिक करके ऊपर के साइड आना है एंड राइट साइड का बटन क्लिक करके सेटिंग वाला आइकन पर आना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है अकाउंट एंड साइन इन, यहाँ पर ले आने के बाद इसको ओके करना है। थोड़ी देर लोडिंग लेगा। थोड़ी देर के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा साइन इन एंड स्किप। साइन इन जो ऑप्शन है यहाँ पर ये बटन रहेगा, इसको साइन इन पर ही ओके करना है। ओके करते ही ये फिर से लोडिंग लेगा। यहाँ पर टाइम लग सकता है, आपको वेट करना है। थोड़ी देर लोडिंग लेने के बाद आपका सामने इस तरह का एक पेज आएगा, तो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, नया अकाउंट बना सकते हो और चाहो तो आपके पास पहले से ही कोई जीमेल अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसको भी लॉगिन कर सकते हो। मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है, उसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जीमेल एंटर करने के बाद ये जो एंटर वाला बटन है कीबोर्ड पर, यहाँ पर ओके करना है। ओके करते ही थोड़ा लोडिंग लेगा। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ गया है, तो मैं फटाफट यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद कीबोर्ड पर जो एंटर बटन है यहाँ पर ओके करना है, तो थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फिर से यहाँ पर वेट करने के लिए बोलेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर मेरे स्मार्ट टीवी पर जीमेल अकाउंट ऐड हो गया है। अब मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ यूट्यूब पर जीमेल अकाउंट ऐड हुआ कि नहीं, यूट्यूब पर जीमेल साइन इन हुआ कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम जीमेल साइन इन करने के बाद यूट्यूब ओपन करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, इसको सेटअप करना है, इसको कंटिन्यू करना होगा। ओके कर लेता हूँ इसको। ओके करने के बाद इसको अलाउ करना है, फिर से कंटिन्यू करूंगा, यस, इसको ओके कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन होने के बाद पहले आपको जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं फटाफट जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके वाला बटन पर क्लिक करके। उसके बाद यूट्यूब पर एक वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होगा, इस वीडियो को थोड़ी देर देखने के बाद इसको बैक कर देना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली YouTube साइन इन हो गया है। तो गाइस इस तरह से आप आसानी से YouTube साइन इन कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।